कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का भगवान ही मालिक कहा जा सकता है। गंगानगर के ब्लॉक में करीब 4 महापूर सड़क निर्माण में मिलाया गया भ्रष्टाचार उखड़ कर सामने आ गया। शुक्रवार को पूर्व पार्षद गुलवीर सिंह से क्षेत्रीय नागरिकों ने इसकी शिकायत की। गुलवीर सिंह का आरोप है कि सड़क निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए का घोटाला नगर निगम के अभियंताओं व ठेकेदार द्वारा किया गया है। आधी अधूरी सड़क की निम्न स्तरीय गुणवत्ता की शिकायत नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा से करने के बावजूद ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया। वहीं ठेकेदार आकाश गुप्ता का कहना है कि सड़क का निर्माण मानक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सड़क की गुणवत्ता कैसी है इसकी जांच विभाग करेगा, न कि पूर्व पार्षद। ठेकेदार ने पूर्व पार्षद पर ब्लैकमेल व 2 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाते हुए दावा किया कि उनके पास इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो समय आने पर पेश कर दी जाएगी। इससे पूर्व भाजपा के पूर्व पार्षद गुलवीर सिंह ने स्थानीय नागरिकों के साथ फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। इसका ये मामला पूरा इसने पूरी रोड पे कोई काम नहीं किया और सारे अधिकारियों से मिल करके इनने इसका पेमेंट करा दिया। लगभग कितनी बड़ी सड़क थी और कितना बड़ा 2 करोड़ का काम है, पूरे पॉकेट का, के ब्लॉक और केपी का 2 करोड़ का। उसमें नाली भी है, सड़क भी है और साइड पगड़ी का कार्य। क्या इस बारे में कहीं शिकायत की गई आपके द्वारा? मैंने शिकायत सारे अधिकारियों से करी। नगर अफसर साहब भी एक दिन साइड पर आए थे, उन्होंने भी पहले ब्लैक लिस्ट का उसे आदेश कर दिया था, लेकिन फिर वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो पाया। उसके बाद में उन्होंने क्या सेटिंग करी मुझे नहीं पता, कहने के बावजूद भी उसने उसका बिल ले लिया और कार्य कोई भी अधिकारी उस पर आया नहीं। रात को नापना आए, जय को अपनी गाड़ी में लाया बैठा कर, जिसे भी वो साइड पर लाया उसने रात को बिल साइड पर नपवा के वो बिल बनवा लिया उसे। अच्छा, और बिल ले लिया उसे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रात्रि में काम किया जाता था। रात्रि में 12-12:30 बजे आता था और 5 बजे से पहले करके वो चला जाता था। ना कोई साइड पर जय आया, ना कोई ए आया, ना पार्षद को कोई सूचना। ये रे मोहल्ले के सब लोग, ये इन्होंने मुझे ही खुद फोन करके यही बताते थे। वहीं क्षेत्रीय महिला ने यह कहा, ये मतलब ना तो सड़क बनी है ढंग से, ना वो खड़ंजा हमारी सारी रेलिंग उखड़वा दी, वो उस चक्कर में हमने उखाड़ के ली ली और ना उस पे ये टाइल वगैरह लगाई है अभी, ना नालियां साफ हुई है, ना बनी है नालियां, सब गंदगी और सांप और कीड़े अंदर घरों में घुस रहे हैं। नाली साफ होने का आप बता रहे हैं कि पैसे दिए किसके द्वारा? पैसे हमने दिए, हमने दिए पैसे। कितने पैसे दिए? ठेकेदार की लेबर थी। कितने कितने पैसे ले गए वो? 1,000 रुपए दिए। उधर जब ठेकेदार आकाश गुप्ता से firstbite.tv ने बात की तो शुरू में उन्होंने ऐसी किसी भी विवाद अथवा घटिया सड़क निर्माण की बात से अनभिज्ञता जाहिर की। बाद में उन्होंने दोबारा कॉल कर यह कहा, हेलो आकाश गुप्ता जी। हाँ जी भैया, ये के ब्लॉक में कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ है, आपके द्वारा कोई सड़क बनाई गई है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। आप नहीं हो आपके ठेकेदार? नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि मतलब क्या हुआ आज, क्या प्रदर्शन क्या हुआ। जो वहाँ के विधवो हैं पूर्व पार्षद, उन्होंने कई सारे लोगों को लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन किया है। मेरी जानकारी में नहीं है भैया। बना आप ही रहे हैं? आप बनाई मैंने थी, काम चल रहा है अभी, पूरा नहीं हुआ। वो बता रहे हैं कि उसमें उखड़ रहा है, उन्होंने वीडियो भी बना करके भेजी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, अभी मैं गया था 15-20 दिन पहले, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सड़क आपने कब बनाई है? तो भैया काफी टाइम हो गया। अभी हाल फिलहाल में नहीं बनी है? नहीं। के ब्लॉक में? हाँ। अच्छा ठीक है भाई। नहीं बात क्या करनी इसमें, चार आपने ही तो 4 महीने पहले करीब बनाई है सड़क ये, और इसका पेमेंट भी हो गया। अभी मेरी उनसे बात हुई ना, जो वहाँ के विधवो हैं पूर्व पार्षद, उन वही बता रहे थे ये सारी चीज डिटेल जो है। अच्छा, गुलबीर जी को 2 लाख रुपए दे दो अभी, है ना, अभी ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं पैसे नहीं देने का किसी को भी, काम करा है गुणवत्ता के हिसाब से काम किया है मैंने। वहाँ तो वो सड़क बता रही है, उसमें वो चाबी डाल करके उसे खोद रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम से उखड़ रही है। ये विभाग देखेगा ना भैया, गुलवीर टेक्निकल आदमी नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर, ही इज नॉट एन एक्शन, एक पूर्व पार्षद है। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है पैसे मांगते हुए की। अच्छा, फोन पे। अच्छा, लेकिन मैं इन चीजों को सोचता हूँ कि ना उखड़े ये, अगर मेरे पास बात आएगी तो मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। फिर पीलोडी के जांच करा के
काम करा हमने, पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार काम हुआ है। क्षेत्र जय पदम पाल का फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से यह कहना है। हेलो पदम जी। हाँ जी, जी बताएं। अभी गुलवीर जी ने इसमें गंगानगर में कुछ धरना प्रदर्शन किया है किसी सड़क को लेकर के, जो आकाश गुप्ता द्वारा बनाई गई है। आकाश द्वारा सड़क बनाई गई थी, बताएं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। वो बता रहे थे कि MNA ने उसको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए संस्तुति भी कर दी थी, फिर नहीं हुआ, क्या क्या मामला है उसमें? ये तो जानकारी मुझे है नहीं। क्या MNA साहब ने कोई वो भी करा है, नगर साहब ने? अच्छा, तो इनको जैसे उन्होंने तो शुरू में शिकायत की होगी ना कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ बन रही है, तो क्या उसकी जांच हुई? आज ही, आज हम तो एक्चुअल में दूसरी सड़क बना रहे थे, उस समय आए हैं आज मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं और यही साहब भी थे मौके पे। अच्छा, और पूरी टीम थी, दूसरी सड़क बना रहे थे, तो जब आए हैं बस जितने भी आप ये दो तीन अपने को लेके ये था। उस सड़क की आपसे कभी शिकायत नहीं की इससे पूर्व में, के ब्लॉक की? इससे पूर्व में मेरे द्वारा काम जो है, मेरे से पहले जो जेई थे उनके द्वारा देखा जा रहा था वो काम, मदन तो मेरे पास तो बाद में आया है वो। तो जो जितना भी काम है अभी बाद में, बाद का कोई भी काम अभी रनिंग शुरू नहीं हुआ, रनिंग स्टेज में है वो काम। तो अब जो भी काम आगे फर्दर शुरू होगा वो मेरे स्तर से शुरू होगा। अच्छा, तो जैसे इनका बिल जो इनका बिल बना होगा वो तो आपकी ही संस्तुति में बना होगा फिर? ना, मेरी संस्तुति में नहीं है। इस बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित शर्मा से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके फोन पर रिंग जाती रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके इलाके में सड़कों का क्या हाल है? अगर बन रही है तो क्या वह मानक के अनुरूप है अथवा नहीं, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।